दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जिसमें कुछ आपको वीबीए कोडिंग की और कुछ फॉर्मूले हमने इसमें यूज़ किए हैं और एक हमने फॉर्मेट तैयार किया है। बहुत छोटा सा टेबल है, लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके काम को बहुत आसान बनाएंगे अगर आप प्रोफेशनली वर्क करते हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। देखें इसमें है क्या। इसमें बहुत छोटे से हमने फॉर्मूले लगाए हैं, जैसे कि जब भी आप कोई, जैसे मैं बता दूं आपको, हमने एक टेबल लिया है। अब ये टेबल में प्रोडक्ट है एक जगह प्राइस है। तो जब मैं यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ तो ये देखें आप, बनाना लिखा हुआ आ गया, ग्रेप्स। अब जब हम लास्ट में आएंगे तो बोल देगा एंड ऑफ डाटा, यानी आपका डेटा एंड हो गया है। और यहाँ से जब हम ऊपर चलेंगे तो ये बोल देगा दिस इज द हेडर रो, यानी ये आपकी हेडर रो है और ये लास्ट डेटा। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह आप ऑरेंज ले लेता हूँ तब क्या होगा, उस सिचुएशन में आप देखेंगे तो ऑरेंज आएगा, लेकिन लास्ट रो को वो एंड ऑफ डाटा, यानी जहाँ पे आपका डेटा ख़त्म हो जाएगा उसको वो एंड कर देगा। तो ये हमने कैसे बनाया, और आप ये देखेंगे इसमें जो हम इस्तेमाल हमने क्या-क्या चीज़ों का किया है। देखें सबसे पहले तो हमने इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया है जो हमारे प्रोडक्ट और प्राइस के टेबल में शो कर रही है, यानी यहाँ पे जो हाईलाइट हो रहा है। दूसरी बात, हमने इसमें वी लुकअप फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, साथ में इफ एरर का इस्तेमाल किया है। ये हमारा इसके अकॉर्डिंग यहाँ से डेटा देगा। इसमें हमने इनडायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। नंबर चार, इसमें हमने एक स्पिन बटन का यूज़ किया है, साथ ही साथ उसमें हमने कुछ कोडिंग भी की है। मैं आपको कोडिंग स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे बनाना। हमने देखें स्पिन बटन और इसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि स्पिन बटन का काम क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं स्पिन बटन हम शुरू कैसे करते हैं। स्पिन बटन अगर आपने शुरू करना है तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ कि आपके पास एक डेवलपर टैब होना चाहिए एक्सेल में। अगर आपके पास डेवलपर टैब नहीं है तो किसी भी टैब में आप राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज द रिबन, और यहाँ पे डेवलपर टैब, और इसके बाद इसको ओके कर लेंगे। इसको डेवलपर टैब आपने चेक करना है और इसको ओके कर लेना है। मैं फिलहाल इसको आपने ओके कर लेना है, तो इससे आपका ये डेवलपर टैब अगर नहीं होगा तो भी आ जाएगा। तो ये कंडीशन है ऑफिस 2010, 2013, 2016 और 2019 में। अगर आपका ऑफिस है 2007 तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल में आके एक ऑप्शन का बटन आएगा। फिलहाल मेरे इस सिस्टम में क्या है कि ऑफिस 2007 नहीं है, नहीं तो मैं उसमें बताता। एक्सेल ऑप्शन के बटन में आप आएंगे तो सबसे पहले जो ऑप्शन होता है प्रूफिंग, उसमें शुरू में ही वहीं पे आपका शुरू में शो कर देगा शो डेवलपर टैब इन रिबन, तो उसको आपने एक्टिव कर लेना। अब हमने इसमें क्या किया, जैसे हम डेवलपर टैब में आ गए, यहाँ से हमने इंसर्ट में आए, जो कंट्रोल है इंसर्ट में आए, आप ये वाला बटन लेंगे जिसको बोलते हैं स्पिन बटन। ये एक बटन ये भी होता है स्क्रॉल बार, ये अलग है, लेकिन स्पिन बटन, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन आपने देखना है, यहाँ पे कर्जर रखेंगे आप तो वो आपको बता देगा कि ये स्पिन बटन है। तो स्पिन बटन हमने ले लेना है, कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे। अब स्पिन बटन का काम क्या होता है, स्पिन बटन का काम ये होता है कि ये आपका, मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ वैल्यू लिखना चाहते हैं, ये है हमारा सेल ई और यहाँ से बैठा है फोर, E5 सॉरी। तो हम क्या करेंगे, इसी में राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल में आएंगे, ये देखेंगे आप एक विंडो आई। इसमें क्या होगा कि इस विंडो में ये बोलेगा करंट वैल्यू, हमने क्या 0, मिनिमम आप दे सकते हैं 1, 2। अब जैसे ये हमारा टेबल है, इसकी मिनिमम हम चाह रहे हैं, दूसरा चाहिए हमें रॉ, तो 2 ले लेंगे यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम में हम अभी नहीं दे सकते क्योंकि जब हम बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगा। वो डेटा हमें यहाँ पे 30,000 ही ले लेंगे। एक होता है इसमें सेल लिंक, तो सेल कौन सा लिंक करना है हमने, ये देख लेते हैं। मान लीजिए हम ये वाला E5 सेल को लिंक कर लिया हमने,
ओके कर लिया। तो इसका काम क्या होता है, जैसे ही आप इसमें करेंगे ये आगे बढ़ा देगा उसको और यहाँ से घटा देगा अप डाउन करने के लिए। लेकिन 30,000 से ज़्यादा होंगे तो ये काम नहीं करेगा। अगर आपकी जो वैल्यू आप 30,000 से ज़्यादा यानी 50,001, 50,002 करना चाहते हैं तो ये काम नहीं करेगा। तो ये तो था स्पिन बटन का यूज़। अब ये वाला फॉर्मूला जो हमने इनडायरेक्ट फार्मूला लिया है, ये क्यों लिया है और इसका क्या काम है? देखें, इनडायरेक्ट फार्मूले का काम क्या होता है कि आपने कोई भी एक एड्रेस, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे G2 में लिखा है A और H2 में लिखा है 4, तो A4 इसका यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये A हो गया और ये आपका हो गया 4, तो इसने A and 4। तो A4 में क्या है, अब हम देखते हैं, A में 1 2 3 4, A4 में क्या है आपका, बनाना। तो बनाना यहाँ पे इसने दे दिया, तो ये आपने यहाँ पे ले लिया। तो इनडायरेक्ट फॉर्मूले का काम यह है। स्पिन बटन का काम क्या है, अब हमने इस स्पिन बटन को जो कंट्रोल दिया है वो सिंपल ही ये दिया है कि ये जो है स्पिन बटन आपका, हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये H2 को कवर करे। हमने मिनिमम वैल्यू 0 रखी है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 30,000, वो वैसे ही छोड़ दिया, तो हमने इसको ओके कर लिया। तो इसका काम यह है कि ये इसको बढ़ाएगा घटाएगा। अब हमने इसमें कोडिंग भी की है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है वो है वी लुकअप इफ एरर। अब ये फॉर्मूला कैसे हमने यूज़ किया मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। फिलहाल मैं ये दोनों फॉर्मूले डिलीट कर देता हूँ। देखें, आपका ये जो टेबल है ए में है प्रोडक्ट और बी में है उसकी वैल्यू, तो एक जगह हमने ए लिख दिया। इसको हमने क्या करना है, ए वाला चेंज नहीं करना है, जो रो नंबर है यानी कॉलम एक जगह ले लिया और रो नंबर हम दूसरी जगह लेंगे। अब इन दोनों को एंड करके मिक्स कर देंगे। तो फिलहाल हमने क्या करा, बराबर, अब हम इसको थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ, बराबर यहाँ पे लगा लेते हैं फॉर्मूला, बराबर इनडायरेक्ट ब्रैकेट, रेफरेंस पूछ रहा है ये, हमने दे दिया G2 एंड और हमने दे दिया H2, तो यहाँ पे हो गया G2 एंड H2। तो G2 और H2 में क्या लिखा है, A लिखा है और 5 लिखा है, तो A5 में क्या लिखा है, A5 में ग्रेप्स लिखा है, तो ग्रेप्स आ गए। अब वी लुकअप फॉर्मूले का क्या इस्तेमाल है इसमें, आप देखेंगे वी लुकअप फॉर्मूला कैसे लगाएंगे हम। हमने यहाँ से फॉर्मूला शुरू किया, बराबर वी लुकअप, लुकअप वैल्यू देखें हमारी ये हो जाएगी, सबसे पहला सिंडेक्स है इसमें लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यानी ग्रेप्स देखना चाहते हैं हम, कोमा टेबल अरे क्या है, हमने टेबल अरे में पूरा ही ये ले लिया, क्योंकि ये हम ए से लेके बी तक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे कितनी भी नीचे तक जा सकता है। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे A2 से लेकर आप ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि वो टेबल नीचे तक भी जाएगा, ए से लेकर बी तक, फिर कोमा आप लगाएंगे। तो हमें आंसर कौन से कॉलम का चाहिए, पहला कॉलम चाहिए दूसरा, तो हमें दूसरा कॉलम चाहिए, कोमा। अब देखें इसमें ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स का मतलब क्या होता है, फॉल्स में क्या होता है कि जो आपकी मतलब एग्जैक्ट मैच, ट्रू के बारे में मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया भी था कि ट्रू कब हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ 0 बराबर फॉल्स, तो 0 ले लेंगे फिलहाल, इसमें हमने एंटर कर देंगे। लेकिन क्या होगा अगर हमारी यहाँ पे वैल्यू, जैसे मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ NA का एरर आ जाएगा। अब एरर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इससे पहले जब हमारा इफ एरर वी लुकअप है, इससे पहले इफ एरर का फॉर्मूला आप पहले भी सीख चुके होंगे और आपको आता भी होगा, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी सी आपको नई ज़रूर मिलेंगी, वीडियो देखने में आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो ये हमने इसमें लगा लिया, तो ये तो सिंपल इफ एरर ने उसका एरर निकाल लिया, अगर हम इसको डिलीट कर दें तो वो एरर नहीं देगा। ठीक, ये चीज़ हमारी हो चुकी है। अब नंबर आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, अभी हमारा VBA कोड में आपको लास्ट में बताऊंगा।
अब आप देखेंगे इसमें हमने जो यूज़ किया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, उसमें हम क्या करेंगे, पूरा चाहे तो आप ये टेबल ले लें, पूरा ये कॉलम ले लें। फिलहाल मैं इसमें क्या करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद क्लियर रूल सेलेक्टेड सेल, यानी इस सेल के रूल मैंने ख़त्म कर दिए। अब मैं इसमें सेलेक्ट किया मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल। देखिए मैं आपको जूम करके बताता हूँ, पहले आपने क्या करना है, ये सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, न्यू रूल में आए, यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट में आए। देखिए आप ये सर्च बॉक्स भी कह सकते हैं इसको, सर्च बॉक्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये सर्च बॉक्स बहुत आसानी से बन जाएगा। बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर और सेल का नेम लिखेंगे A1। अब A1 में हम क्या करेंगे, इसमें जो रॉ का लॉक है वो हटा लेंगे, बराबर है इस वाले सेल के यानी कि E2 के, A1 बराबर है E2 के, जब उसके बाद आप कोई भी कलर दे सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल ये कलर दे दिया, यहाँ से आप कलर ले लें, फॉन्ट ले लें, जैसे फॉन्ट का कलर आप कौन सा करना चाह रहे हैं, ब्लू, तो वो भी ले सकते हैं, या बॉर्डर लगाना चाहते हैं बॉर्डर भी लगा सकते हैं, ओके कर लें। अब चाहें कि फॉन्ट जो है वो थोड़ा बोल्ड भी हो के आए, तो आप ये देखेंगे, देखें आप इधर आंसर अब ये उसी तरह के फॉन्ट में आ रहा है। हेडर रो भी उस फॉन्ट में आ गई, लेकिन क्या है वो हेडर रो इसमें मैसेज दे दिया हमें। तो ये तो हो गया हमारा क्या बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो अभी हमने बताया आपको इनडायरेक्ट फॉर्मूला, वी लुकअप, मैच और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सर्च बॉक्स टाइप का बन गया आपका। अब हम ये बताते हैं आपको कि हमने इसको जो है हेडर रो और लास्ट रो की कोडिंग क्या करनी है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, इसी में आपने राइट क्लिक किया, असाइन मैक्रो में आए, यहाँ पे आपने, फिलहाल मेरा ये एडिट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें पहले कोड लिखा है, नहीं तो आपने क्या करना है न्यू में आ जाएगा इसमें, उसमें क्लिक कर देना। अब मैं इस कोड के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँगा, फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, छोटा सा कोड है, इसको मैं इस तरह से यहाँ रख लेता हूँ, जूम करके आपको बताता हूँ कि कैसे हमने इसमें कोड लिखा। अब हमने इसमें स्पिन बटन में चेंज पे लिया, चेंज करने के बाद लिया हमने इफ, यदि रेंज H2। अब H2 रेंज कौन सी है, हमने इसको जो लिंक किया है वो H2 रेंज ये है, ये वाली रेंज है H2, आप देख रहे हैं। तो हमने ये ले लिया कि इफ H2 डॉट वैल्यू लेस देन 2, यानी हमें पता है कि हमारा 2 से कम है, तो जब भी 2 से कम में आएगा वो मैसेज बॉक्स आ जाएगा दिस इज द हेडर रो, और रेंज H2 की वैल्यू हो जाए 2, यानी 2 से कम हो ही ना पाए, जैसे ही हम 2 से कम में आए वो मैसेज बॉक्स दे, और जैसे ही मैसेज बॉक्स आप ओके करेंगे उसके बाद वो 2 आ जाएगा। ये एंड इफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यानी इसने क्या करा, इसने हमें ये बता दिया कि आपने ये हेडर रो। अब हमने देखें दूसरा जो इसमें कोड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो डिफरेंट क्यों है, डिम डाइमेंशन एक्स एज लॉन्ग, और एक्स के मायने हैं, यानी एक्स की जगह आप कोई सा भी शब्द ले सकते हैं, आप अपना नाम ले सकते हैं, या लिख सकते हैं आप डिम परवेज एज लॉन्ग, डिम दाऊद एज लॉन्ग, या जावेद एज लॉन्ग। अब हमने जो भी नाम डिफाइन किया है वहाँ पे उस नाम को ले लेंगे यहाँ पर, जैसे एक्स के मायने हैं, यानी एक्स जो काम करे वो क्या करे, हमने दे दिया एक्स बराबर एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंटा, यानी कि एप्लीकेशन में जो वर्कशीट फंक्शन है जैसे कि काउंटा, यानी एक फॉर्मूला है, काउंटा में
आप जैसी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसके बाद आपने रेंज लेनी है, और रेंज भी विद इन ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा के अंदर A1 से लेके A100 तक ले लो, या AA ही कर दो आप, यहाँ पे पूरे ही कॉलम आ जाएगा, या फिर 1000 तक कर लो। लेकिन आपने ये ध्यान देना है कि ये रेंज का ब्रैकेट बंद हुआ है, काउंटा का ब्रैकेट जितने शुरू होंगे उतने ही बंद होंगे। रेंज का ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ बंद हो गया, लेकिन काउंटा का ब्रैकेट यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ बंद हो गया। तो एक्स ये बता देगा इन सबको गिन के, यानी अगर हम यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 है। काउंटा का काम ये हो गया कि यहाँ इसका आंसर आ गया 6। अब 6 जो आंसर आया है, हमने ये दे दिया इफ़ रेंज h2 डॉट वैल्यू मोर देन x, x का मतलब हो गया 6 है, जब वो आगे बढ़ेगा तो 7 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा 8 हो जाएगा। तो हमने ये दे दिया कि यदि रेंज h2 की जो वैल्यू है वो बड़ी है x से, देन क्या हो कि मैसेज बॉक्स आ जाए आपका एंड ऑफ डाटा, और रेंज h2 जो है ये वाली रेंज, इसकी वैल्यू आ जाए x, यानी जो उसकी लास्ट रो की वैल्यू है। एंड इफ, देखें जब भी हम इफ्स का इस्तेमाल करते हैं तो जहाँ इफ शुरू करते हैं उसके बाद एंड इफ करते हैं, जैसे इफ फॉर्मूला लगाते हैं आप उसी तरीके से ये भी इफ लगता है, इफ एंड इफ, लेकिन इसमें हमने एंड इफ जरूर करना है, इफ एंड इफ। अभी हमने ये इफ अलग अलग इसलिए किए, वैसे तो हम चाहते तो एक ही इफ के अंदर दोनों काम हो जाते हैं क्योंकि उसमें एल्स करके लगा देते हैं फिलहाल, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं थी, दो ही इफ ज़्यादा बेहतर रहेंगे इसमें, एक डिम का हो गया ये इफ का हो गया। तो ये हमने पूरा इस तरह से बनाया। अब हमारा काम ये रह गया इसमें कि आपने यहाँ पे जब आप इसको बढ़ा रहे हैं तो ये कहाँ बढ़ा रहा है, ये h2 को बढ़ा रहा है, h2 में जो 3 वैल्यू है उसको देखें आप 4 कर दिया इसने, a वही रह गया। अगर हम a को हटा दें यहाँ से तो पूरा फॉर्मेटिंग बिगड़ जाएगी, क्यों, क्योंकि a जो है वो इसके कॉलम नंबर बता रही है। इनडायरेक्ट फार्मूला क्या करता है कि G2 जो है वो हमारे ये बता रही है कि A वाला कॉलम है, अगर मैं इसको B ले लूँ तो B में उसने दे दिया 60, B4 यानी 60, B1 1 2 3 4 60 आ गया, अगर मैं यहाँ पे मुझे A ही लेना पड़ेगा। अब आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, इसको हाइट कर दें तो उसमें क्या होगा पता भी नहीं चलेगा। अब क्या होता है कई बार आपने वीलुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले सीरियल नंबर चलते रहते हैं 1 2 3 4, उससे लुकअप करते हैं, यहाँ पे क्या है और उसके बाद बार बार उसको सेलेक्ट करो, तो इसकी बजाय हमने इस तरह से ये बना लिया। अब जैसे ही ये उसमें पहुँचेगा शुरू में तो वो हेडर रो बताएगा, और लास्ट में पहुँचेगा तो आपका एंड ऑफ डाटा बताएगा। अब इसमें मैं एक और ले लेता हूँ, ऑरेंज के बाद आप ये देखेंगे गुआवा भी आ गया, एंड ऑफ डाटा लास्ट में करेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो तभी यूट्यूब हमारे वीडियो को प्रमोट करेगा, लोग ज़्यादा देखेंगे, तो उससे क्या होगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे अंदर क्वालिटी होगी तभी आप इसको मतलब लाइक करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत आपको अच्छे अच्छे वीडियो देने वाले हैं, थोड़ा हमारे ज़्यादा काम आने की वजह से मैं इतने वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन मैं आगे कोशिश ये करूँगा कि मैं काम छोड़ के यूट्यूब पे ही पूरा ध्यान दूंगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगा। अभी क्या है मैं मिक्सिंग वगैरह भी नहीं करता हूँ, मैं सिंपल ऐसे ही वीडियो डाल लेता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाने वाला हूँ, एडवांस एक्सेल के साथ साथ मैं टैली में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, और एडवांस एक्सेल अभी बहुत बाकी है जिसको मुझे सिखाना बाकी है, तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।